हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज है डे थ्री, ठीक है। आज हमारा है लो कार्ब्स डे। वर्कआउट से एक घंटे पहले ये शेक पी के जा रहा हूँ दोबारा से। आज हम क्वांटिटी थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि आज लो कार्ब्स डे है, ठीक है। कार्ब्स तो लेने हैं बट कम लेने हैं। तो वर्कआउट से एक घंटे पहले मैं सुबह सुबह जिम जाता हूँ। मैं 10 या 11 बजे उठता हूँ तो 12 1 बजे जिम पहुँचता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट मील ही होगी सुबह सुबह की। तो आज हम लेंगे 1 स्कूप सिर्फ, ठीक है। देख लो और ध्यान से, ये है मूसली, ये 30 ग्राम का ही स्कूप है मेरे पास। 1 स्कूप आज सिर्फ 1 स्कूप लेंगे मूसली और 1 स्कूप ओट्स, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बंद, अब गिर ना जाए, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर जिससे इंसुलिन स्पाइक ना हो, बता रखी है मैंने आपको, डाइजेशन बढ़िया रहे बिल्कुल। प्रोटीन 1.5 स्कूप लूँगा आज वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद, क्योंकि यार लो कार्ब्स डे है ना, तो प्रोटीन तो इतना मिला नहीं है ओट्स से। तो 1 स्कूप और प्रोटीन भी ख़त्म होने वाला है, 1.5 स्कूप, ठीक है। डेढ़ स्कूप प्रोटीन हो गया, ठीक है। इसके साथ मैं लूँगा 1 फ्रूट, चाहे एप्पल ले लो, चाहे बनाना ले लो, चाहे कोई और फ्रूट ले लो, ठीक है। मेरे पास था बनाना एक आज, पता नहीं ये भी कैसा है, ख़राब हुआ पड़ा है, देखो ये रहा, ख़राब है। रुक जाओ देखता हूँ अभी ख़राब है या नहीं है, ख़राब हो रहा है यार, ओहो ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, फिर एप्पल डाल देता हूँ, ठीक है। बनाना तो है नहीं, ख़राब है ये। और ये शेक बना के पी के 1 घंटे बाद मैं जिम जाऊँगा, ठीक है। आज हमारा है शोल्डर का वर्कआउट, शोल्डर का नेक्स्ट लेवल वर्कआउट होगा, सुपर सेट, हैवी सेट, ड्रॉप सेट ऐसे होंगे, देख रहे हो। अब बॉडी नेक्स्ट लेवल जाएगी, फॉलो करते रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मील में, ये मैं पी लूँ, ठीक है, ओके बाय। तो यार वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, आज किया था हमने शोल्डर का वर्कआउट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे क्लिक करोगे शोल्डर वर्कआउट आ जाएगा। अब वर्कआउट के बाद में पी रहा हूँ 1.5 स्कूप प्रोटीन, ठीक है। आज हमारा लो कार्ब्स डे है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ चला गया, ठीक है। और उसके बाद दिखाता हूँ प्रोटीन पीने के बाद अपनी नेक्स्ट मील, 1 घंटे बाद मिलते हैं तो अपनी नेक्स्ट मील में। वर्कआउट के 1 घंटे बाद की मील आ गई है, लो कार्ब्स डे है तो मैंने आज लिया है लो कार्ब्स डे वाले दिन किनवा। किनवा जिसको नहीं पता तो सर्च कर लेना किनवा, ठीक है। और मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है, सर्च कर लेना तरुण कपूर फिटनेस करके, इन फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ किनवा ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने लिया है 40 ग्राम, इसके अंदर 5 ग्राम प्रोटीन है, 25 से 30 ग्राम कार्ब्स है और फैट 1 से 2 ग्राम है बस, और फाइबर है 8 ग्राम जो कि चाहिए। उसके साथ मैं ले रहा हूँ अंडे 8 बॉयल, आज मैं ले रहा हूँ बॉयल, 4 लूँगा वाइट, 4 लूँगा फुल, ठीक है। तो 20 ग्राम फैट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा अपना बढ़िया करके, और अपना कार्ब्स हो गए। तो ये हमारी लो कार्ब्स डे वाले दिन, ये लो कार्ब्स डे वाले दिन ये वाली मील है हमारी, ठीक है। तो अब मैं खा लेता हूँ और दिखा भी देता हूँ। तो ये मैंने देसी घी में बनाया है, 1 चम्मच देसी घी में, तो फैट 35 ग्राम हो गया टोटल, ठीक है। बढ़िया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मील है 2.5 घंटे बाद लूँगा, फिर अब वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं खा लेता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट मील में। ये आ गई है हमारी नेक्स्ट मील किनवा के बाद की, 2.5 घंटे बाद ये मील मैं ले रहा हूँ। इसमें मैं ले रहा हूँ टमाटर थोड़े से, ठीक है, 1 हैंडफुल पिस्ताचू और 1 हैंडफुल बादाम, ठीक है। और ले रहा हूँ मैं दाल 1 कप, ये कौन सी दाल है ये पता नहीं है, कल थी अरहर की शायद,
और आज ये देख लो, ये पीली पीली सी है, दिखा देता हूँ, ये वाली दाल है, ठीक है। और इसके साथ मैं ले रहा हूँ आज चिकन। चिकन में मैं आज ले रहा हूँ लेग पीस, ठीक है। मैंने आज अखरोट नहीं लिए क्योंकि लेग पीस बना रहा हूँ, 4 लेग पीस है, ठीक है। और उसको थोड़ा सा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ऑयल में बनाऊँगा, ठीक है, देसी घी में ही, मतलब, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी फैट जाएगा और ये भी फैट है, तो इसलिए मैंने आज अखरोट लिए नहीं है। 2 दिन से मैं अखरोट ले रहा था, आपने देखा हो तो, ठीक है। तो ये हमारी बील है लो कार्ब्स डे वाले दिन, चिकन हो गया, लेग पीस ले रहा हूँ 4, ठीक है। कैल्शियम जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत फैट होगा लेग पीस में भी, क्योंकि डेली मेरे पे जो बोनलेस है वो खाया नहीं जाता, बोनलेस चिकन, तो इसलिए मैं बीच बीच में लेग पीस का यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं खा रहा हूँ। बॉडी बनानी है तो फॉलो कर लो और कमेंट कर दो हर वीडियो में, कोई भी दिक्कत हो उस पर वीडियो बना दूंगा। 60 डेज ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, करना है आपको भी, ठीक है। खा लेता हूँ, मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट मील, दिखाता हूँ। तो हमारी ये रात के 11:30 बज चुके हैं और ये हमारी लास्ट मील है। इसमें मैं ले रहा हूँ ये रहा 1.5 स्कूप प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि आज हम दूर से लेने ले रहे, क्योंकि हमारा लो कार्ब्स डे है और उसके अंदर अनहेल्दी लैक्टोज भी होता है दूध के अंदर, थोड़े शुगर की फॉर्म भी होती है और थोड़ा सा फैट भी होता है, ठीक है, और कार्ब्स भी होते हैं, इसलिए हम ले नहीं रहे, अनहेल्दी फैट मान सकते हो आप उसको, इसलिए आज मैं ले नहीं रहा, ठीक है। ये प्रोटीन है 1.5 स्कूप, ठीक है, और इसके अंदर मैं डालूँगा 3 आइस क्यूब और पानी के अंदर पीऊँगा, ठीक है। प्रोटीन और सीड्स जो मैं लेता हूँ, पर एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत क्या हो गई है कि कल सनफ्लावर सीड ख़त्म हो गई थी, तो फ्लैक्स सीड ही है, तो आज मैं 2 चम्मच फ्लैक्स सीड ले लूँगा और कल ख़रीद के ले आऊँगा, ठीक है। अभी तो भैया ऐसे काम चलाना पड़ेगा, अब फैट तो चाहिए ना हेल्दी, ठीक है। तो यार मैं ये कंज्यूम कर लूँ, ठीक है, ये फ्लैक्स सीड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और कल हमारा हाई कार्ब्स डे है, कल बैक डे है, बैक डे की वीडियो बनाऊंगा पूरी, ठीक है। और लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, कोई भी दिक्कत हो मुझे बता देना। मिलते हैं यार अपनी कल वाली वीडियो में।